इज़ द थर्ड फ्लाइट ऑफ दिस सीज़न। आज एक दफ़ा फिर हम स्कर्दू से वापस आने फुल इस्लामाबाद। प्लेन जो है हमारा दैट इज़ रेडी एंड अभी पुश बैक शुरू होना है, बस बोर्डिंग जो है दैट इज़ अबाउट टू बी कम्प्लीटेड। वहाँ पे वो सामने आपको दो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इन केस ऑफ एमरजेंसी, और अभी जो बस वी आर रेडी टू पुश बैक। We are on the runway and taxiing towards the takeoff point. Kevin, could you take your seats for takeoff? Kevin, could you take your seats for takeoff, please? So we are at number 3 and we are going towards the takeoff point. Takeoff जो है वो हमेशा की तरह पहले भी जितनी एयरपोर्ट की फ्लाइट्स आई हैं PIA मोस्टली आता है, उनका टेक ऑफ जो है वो स्कर्दू सिटी की जाने होता है और इसका भी स्कर्दू सिटी की जाने भी होगा। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कचूरा एंड फ्रॉम कचूरा साइड वी विल टेक ऑफ टूवर्ड्स स्कर्दू सिटी। टेक ऑफ फ्रॉम स्कर्दू। किडनी माउंटेंस के ऊपर से आता है लेकिन इसने किडनी को भी साइड में छोड़ा और ये बहुत जो है उस साइड भी, ये नीचे आपको इंडस नज़र आ रहा है उस साइड में। इस वक्त हम जगलोट के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं, ये नीचे जगलोट है मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट, और जगलोट से होकर फिर आगे हम टूवर्ड्स चिलास जा रहे हैं। ये जगलोट से आगे जो छोटे छोटे गाँव हैं ऊपर पहाड़ों में वो जाके नज़र आ रहे हैं। ऊपर एक वैली है बड़ी खूबसूरत, ऊपर जाके आती है पहाड़ के दरमियान, उसके पास पहुँचे हैं। अभी यहाँ से हम चिलास जाएंगे। मेरे एग्जैक्ट लेफ्ट साइड के ऊपर इस वक्त जो है वो नांगा पर्वत नज़र आ रहा है। अनाउंसमेंट तो नहीं हुई लेकिन नांगा पर्वत जो एग्जैक्ट मेरी लेफ्ट पे है। आपने अगर देखना है तो मेरी फ़्लाइट व्लॉग्स उसी वाली जो है वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उसमें जाके जो है वो देख सकते हैं नांगा पर्वत को। लेकिन फ़िलहाल जो है आप इसी साइड पर राइट साइड को देखेंगे। मोस्टली जो मेरी वीडियोज़ उसमें मैं नांगा पर्वत वाली साइड पर बैठा होता हूँ, लेकिन इसमें मैं नांगा पर्वत वाली साइड पर नहीं हूँ, इसमें मैं राइट साइड पर बैठा हूँ टूवर्ड्स चिल्ला साइड। तो आज आपको ये वाली साइड दिखा रहे हैं। हमारा मील बॉक्स तो आ गया है लेकिन अल्लाह माफ़ करे कोई बंदा इस तरह आपको खाते हुए देखा है आपने कभी? ये देखें तबाहियाँ फेर दी हैं इसको, इसको इसका नाम पूछ ले इसका नाम क्या वो नहीं पता, लेकिन सत्यानाश फेरा हुआ है इसने। रोटी को तो अल्लाह माफ़ करे, स्नेहा दे छोड़ता है ये बंदा। ठीक है तो भाई जान इसमें क्या क्या है आपका वो हिसाब है, जैसे वो टिकटॉक पे कहते हैं ना कि मैंने अपने घरों जदों भी खाया हराम भी खाया। ठीक है
भाई साहब ने भी जब से घर कभी खाया है ना, घर में तो आराम ही खाया है, पल्ले ही खाता है लोगों ना, नाश्ता कहीं फ्री है, लंच कहीं फ्री है, रात को फिर मोहसिन। तो भाई जान ये जो हमारा मील बॉक्स है, इसमें मैं आपको दिखा दूँ, ये चिकन टिक्का क्रोसेंट है, क्रोसेंट है विथ नाना केक, एंड दिस वन इज़ हैप्पी फॉर्म्स, ये जूस है, एप्पल जूस, नेक्टर है नॉट जूस, इसमें मैं पढ़ के बता दूँगा कितना जूस है और कितना पल्प है इसमें, वो इन्होंने कोई नहीं लिखा हुआ, नहीं इसमें किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि इसमें परसेंटेज क्या है इंग्रेडिएंट्स की। एप्पल जूस 50%, अच्छा 50% जूस है, ठीक है, तो ये एक्सपायर तो नहीं है, एक्सपायर उम्मीद तो है नहीं होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग आ गई 2023 तक है, ये तो बिल्कुल ही फ्रेश है, बैच नंबर के ऊपर है, और ये शीज़ान का कैचअप है विद दिस वन, कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट एवरेज स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर, और हाँ वो साथ पानी भी है, ये पानी जो है ये हर एक को बॉटल उन्होंने साथ दी है, हम क्योंकि आगे बिजनेस क्लास में बैठे हुए तो बिजनेस क्लास में लेग स्पेस ज़्यादा होती है, देखें हर बंदा जो है ना अपनी लेग स्पेस के हिसाब से खा रहा है, ये भाई साहब जो हैं ये आधा आधा क्रॉसेंट तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, और ये भाई साहब जो हैं ये अंधाधुंध तरीके से खा रहे हैं, सो हम भी ट्राई करते हैं और ट्राई करके देखते हैं कि इसमें क्या बनता है, खोलते हैं इसको और खोल के फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है जी, काफ़ी रैपिंग तो खैर अच्छी की हुई है इन्होंने, ठीक है, हाँ यस ये खोल गया, मेरे ख्याल में इधर से देख रो जानी, आप यहाँ से देख लें, ये भाई साहब इस तरह से खा रहे ना, आप वहाँ से देखें। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंशाल्लाह वी विल शॉर्टली बी लैंडिंग, please ensure that your hand baggage is stored in the hat racks or under the seat in front of you. Please bring your seat back to an upright position. Close your meal table and fasten your seat belt. Keep the window shutters open for landing. Please check the emergency exits which may be behind you. Thank you for your attention. नीचे से तो बिल्कुल कख नजर नहीं आ रहा और लैंडिंग अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है कि हम लैंड करने वाले हैं, भी बादलों के बस अंदर से एक झटका में और लगेगा बड़े वाला, और फिर उसके बाद जो इंशाल्लाह जहाज़ है वो अपनी पोजीशन स्टेबल करेगा और हम अप्रोच बनाएंगे इस्लामाबाद इंटरनेशनल में, तकरीबन यहाँ से इस वक्त पे जहाज़ वहाँ से भी लेट चला था, 10:11:23 हुए, तो मज़ीद अगले कोई 10 मिनट में जो है वो हमें लैंड करा देगा। मैं पिछली विंडो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो अगली विंडो है वहाँ से कख नज़र नहीं आता, यहाँ से तो फिर भी आपको वो पीछे कोई विंग नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो बिल्कुल बादल ही बादल है, कोई चीज़ नहीं। वो सामने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और उससे हो गया, अभी हम अपनी अप्रोच सेट कर रहे हैं टूवर्ड्स इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो सामने आपको एयरबेस नज़र आ रही है ये वाली, इसको बोलते हैं कासिम एयरबेस, ये कासिम रनवे है, इसके दो रनवेज हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, फंक्शनल एक ही है, ये कासिम बेस इसको बोलते हैं। ये वाला भी रनवे जो है वो कभी कभार यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ एमरजेंसी, सो इट्स कॉल्ड कासिम बेस, कासिम रनवे फॉर एमरजेंसी पर्पसेस जो है इन्होंने रखा हुआ है। लैंडिंग गियर डाउन, लैंडिंग गियर को इसने बिल्कुल डाउन कर दिया, वो सामने जो है वो अगला डेरा इस्माइल खान मोटरवे है और ये यहाँ से अभी लैंड करने लगा है। यहाँ से होके हम लैंडिंग कर रहे हैं, नीचे आपको डेरा इस्माइल खान अगला मोटरवे नज़र आ रहा है, अपनी यहाँ से होके लैंड करेगा जहाँ से, इतना ही खूबसूरत लग रहा है। लैंडेड सेफली बैक ऑन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इंटरनेशनल। जबकि मकामी वक्त सुबह 11:35 हो चुके हैं।
आपके रब तक उसकी खातिर अब सबसे गुजारिश की जाती है कि जब तक जहाज मुकम्मल तौर पर न जाए और हिफाजती बंद बांधने वाले निशानात की रोशनी न बुझा दी जाए, अब अपने निशस्तों पर ही बैठे रहे। बालाई खाने खोलते वक्त खास ख्याल रखें, वरना सामान गिरने से चोट लगने का खदशा है। जहाज से निकलते वक्त आप अपना सारा जाती सामान अपने साथ लेते जाएं। अब मैं कप्तान राशिद खान और उनके अम्मे की जानिब से आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इब्रो के साथ सफर का इंतखाब किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफर आरामदेह खुशगवार रहा होगा। एब्लू को अपना हम सफर मुंतखब करने पर शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।